नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देख न्यूज में। इंग्लैंड की टीम 17 साल बाद टेस्ट सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान आई है। दोनों देशों के बीच 9 दिसंबर यानी शुक्रवार से मुल्तान में दूसरा टेस्ट खेला जाना है। इससे पहले इंग्लैंड की टीम जिस होटल में ठहरी है उसके पास गोलियां चलने की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये गोलीबारी स्थानीय गैंग के बीच हुई है। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। ये घटना उस वक्त की बताई जा रही है जब इंग्लैंड की टीम दूसरे टेस्ट की तैयारी के लिए होटल से मुल्तान स्टेडियम रवाना होने वाली थी। हालांकि ये घटना इंग्लैंड टीम के होटल से काफी दूर हुई, इसलिए खिलाड़ियों की सुरक्षा को किसी तरह का कोई खतरा पैदा नहीं हुआ है। पाकिस्तान पुलिस इस मामले में आरोपियों की तलाश में जुट गई है और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्थानीय प्रशासन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह भरोसा दिलाया है कि इस घटना से खिलाड़ियों की सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये घटना जिस जगह हुई वो इंग्लैंड टीम के होटल से 1 किलोमीटर दूर है और इंग्लिश टीम के स्टेडियम आने जाने के रूट का हिस्सा भी नहीं है। इस घटना के बाद इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान के साथ मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में अभ्यास किया और इस दौरान रावलपिंडी स्टेडियम की तरह मुल्तान में भी कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई। इंग्लैंड टीम को पाकिस्तान में देश के राष्ट्रपति के स्तर की सुरक्षा दी गई है। खिलाड़ियों की सुरक्षा में स्थानीय पुलिस के अलावा सेना को भी लगाया गया है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की है कि टीम के सिक्योरिटी प्लान में इस घटना के बाद किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। दोस्तों, इस वीडियो में केवल इतना ही। ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहिए देख न्यूज़।